सब चोर चोर मौसे रे भाई हैं सारे लोग। राजेंद्र गुढ़ा के बारे में जानकारी है आपको? हाँ जानकारी है, उनके साथ तो देगू से देलात हुई। पर जो आप राजेंद्र गुढ़ा के बारे में पूछो, उसने कुछ गलत नहीं कहा, उसने जो भी कहा सही कहा। पर क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो वो 4 बजे के स्टेटमेंट पे 7 बजे उन्हें निलंबित कर सकते हैं और मीडिया में कहीं इसके बारे में कोई हो हल्ला नहीं होता। मेरे घर में 2 लोग हैं, मुझे 6,500 का बिल आया 1 महीने का, टूफी प्रसाइज 1 महीना 3 दिन का। हम दोनों वर्किंग है, उतना तो हम घर पे भी रहते भी नहीं है कि हम उतने बिजली कंज्यूम कर लें। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया, ये किसी ने किसी के 0 भी लाया है उसका पैसा मैंने दिया है ना, बट इसका क्रेडिट कौन लेगा? गहलोत साहब लेंगे। और मोदी जी ढिंडोरा पूट रहे हैं 5 लाख का बीमा देके। अरे भाई हमारे 25 लाख का बीमा देखो, गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में देखो भर्तियाँ निकाल रही है और इतनी भर्तियाँ कहीं पर भी नहीं निकली। बात हो सकती है पेपर लीक की, तो पेपर लीक का मामला ये है कि मैम इन पर थोड़ा अंकुश लगाने की कोशिश ज़रूर की है। पेपर लीक हर राज्य में हो रहे हैं। मैम राजेंद्र गुड्डा जी एक सरकार के मंत्री थे, हालांकि उन्होंने महिला अत्याचार के ऊपर बात कही, लेकिन इस तरह से आप अगर सरकार के साथ में हो और इस तरह की बातें सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हो तो कहीं ना, क्योंकि राजेंद्र गुड्डा जी ना केवल महिलाओं के बारे में बोले, काफ़ी समय से उनका सरकार के खिलाफ बयान आते रहे हैं। और इस तरह से आज जैसे राजेंद्र गुड्डा पे आज कार्रवाई की, बहुत पहले कर देनी चाहिए थी कार्रवाई। और लाल डायरी की बात वो कर रहे हैं, तो लाल डायरी का खुलासा आज करने वाले हैं वो, तो वो लाल डायरी का खुलासा क्यों नहीं करते मीडिया के सामने आके? क्यों सदन की बात कर रहे हैं? अब सदन से बर्खास्त भी कर दिया, अब तो मीडिया के सामने आके कहे वो लाल डायरी में छुपा हुआ क्या 500 करोड़ का घोटाला, 500 करोड़ का घोटाला है क्या? 500 करोड़ का घोटाला। सचिन पायलट साहब ने बात उठाई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो बीजेपी की सरकार पेपर लीक को लेकर, पेपर लीक को भी उठाई थी, सरकार पेपर लीक में काम कर रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान विधानसभा में 24 जुलाई को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हर कोई जानता है, खूब हंगामा हुआ। एक लाल डायरी को लेकर पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा हो रही है, पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि जिस लाल डायरी की बात राजेंद्र गुढ़ा कर रहे हैं आखिरकार में उसमें है क्या। ऐसा कहा गया है कि उनके पास में ऐसी फाइल थी जिसमें जो भी लेखा जोखा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, लेन देन का, वो सब था। इसको लेकर बीजेपी है वो पूरी तरीके से है, वो सरकार को घेरने का काम कर रही है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि राजेंद्र गुढ़ा ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा एक पका पकाया मुद्दा दे दिया है। पहले सचिन पायलट को लेकर भी यही बात कही जा रही थी कि पायलट जो मुद्दे उठा रहे थे कहीं ना कहीं उनसे भारतीय जनता पार्टी को, बाकी के विपक्ष के नेताओं को है, वो एक मुद्दा मिल गया सरकार को घेरने का। अब ठीक ऐसा ही काम है वो राजेंद्र गुढ़ा ने किया है, ऐसी बात है वो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि चुनावों को लेकर जो कुछ भी हो रहा है जनता उस बारे में क्या सोच रही है, सबसे बात वही आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सारी जो भी होता है वो सब जनता के इर्द गिर्द ही घूमता है। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है उससे बात यह है कि वो जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। कांग्रेस है वो अपना पक्ष रख रही है, उससे भी कहीं ना कहीं है वो सीधे तौर पर है वो जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है कि वो किसी और की बातों में ना आए। सरकार ने जो भी काम किए हैं वो जनता के लिए किए हैं और कहीं ना कहीं वो ठीक भी हैं। अभी जो कुछ भी चल रहा है आपको पता है राजेंद्र गुढ़ा के बारे में? नहीं सर। नहीं पता? तो विधानसभा चुनावों को लेकर कुछ चल रहा है आपके बारे में? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा। यहीं से आप? नहीं, यहाँ से नहीं है। ठीक है, आपको, आप यहाँ पर लगातार इधर रहते हैं, लोग बाग आते हैं, अभी क्या कुछ कोई बातचीत होती है चुनावों को लेकर? चुनाव तो अब होंगे तो अब आएगी ना, अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी विधानसभा में भी जो कुछ भी चल रहा है खूब हंगामेदार रहा, पता है उसके बारे में राजेंद्र गुढ़ा को लेकर? सब चोर चोर मौसे रे भाई हैं सारे लोग। राजेंद्र गुढ़ा के बारे में जानकारी है आपको? हाँ जानकारी है, उनके साथ तो देगू से देलात हुई। पर जो आप राजेंद्र गुढ़ा के बारे में पूछो, उसने कुछ गलत नहीं कहा, उसने जो भी कहा सही कहा। पर क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो वो 4 बजे के स्टेटमेंट पे 7 बजे उन्हें निलंबित कर सकते हैं और मीडिया में कहीं इसके बारे में कोई हो हल्ला नहीं होता। लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ पे बीजेपी की सरकार होती तो लेफ्ट ओरिएंटेड मीडिया इतना हल्ला करती कि शायद सरकार गिराने के लिए भी बोल देते। दिलावर को भी है वो निलंबित कर दिया क्या? दिलावर का केस मुझे नहीं पता। नहीं पता, अभी जो कुछ भी हो रहा है आप उसको कैसे लेते हैं कि विधानसभा में वो जानबूझकर है वो किया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस है वो ये आरोप लगा रही है, खुद शांति धारीवाल ने ये बात कही कि सब कुछ ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। देखिए जी, जो कुछ अच्छा होता है तो हर लोग उसका क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं और जो कुछ गलत होता है हर कोई उसका क्रेडिट अपोजिशन को देना चाहता है। पर अब ये वो ज़माना नहीं रहा कि अखबार में छपी हुई चीज़ या टीवी पर दिखाई हुई चीज़ को ही लोग सच मान लिया करते थे। आजकल आप जैसे चैनल भी हैं जो
खबर के अंदर की खबर भी निकाल कर लाते हैं, तो हर आदमी जानता है कि कौन क्या कब कहाँ क्यों बोल रहा है और उसके पीछे क्या इंटेंशंस हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि एक आम नागरिक होने के नाते बताइए कि राजस्थान की जनता होने के नाते आप क्या सोचते हैं इस बारे में? किस बारे में? यही जो कुछ भी अभी हो रहा है, क्या ये सब एक एजेंडा है या फिर किस तरीके से होना चाहिए? इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिक्स। हर कोई अपने अपने आप को अच्छा दिखाना चाह रहा है और सामने वाले को खराब दिखाना चाह रहा है। जनता के मन में अभी क्या चल रहा है चुनावों को लेकर? कांग्रेस है वो ये कह रही है कि हमने काम किया है, योजनाएं ऐसी लेकर आए जिनसे वाकई में है वो जनता को फायदा मिल रहा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि सरकार ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, बस अपनी कुर्सी बचाने का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मौजूद काफी सारे लोग हैं इनमें से किसी को भी अगर फायदा होगा, जैसे मैं खुद हूँ। पहले इनिशियली गलत सरकार ने 700 रुपए की सब्सिडी देना शुरू किया बिजली बिल में, पर अब 2 महीने से मुझे तो वो भी नहीं आ रही। और ठीक है बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, पर वो फायदा सरकार या कोई भी कांग्रेस पार्टी या बीजेपी अपनी जेब से तो दे नहीं रही है। मेरे जैसे लोगों की जेब से ही निकला है वो पैसा। तो मैं, मेरे घर में 2 लोग हैं, मुझे 6,500 का बिल आया है 1 महीने का, टू बी प्रिसाइज 1 महीना 3 दिन का। हम दोनों वर्किंग है, उतना तो हम घर पे भी रहते भी नहीं है कि हम उतने बिजली कंज्यूम कर लें। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, ये किसी ने किसी के 0 भी लाया है उसका पैसा मैंने दिया है ना, पर इसका क्रेडिट कौन लेगा? गहलोत साहब लेंगे। यही वाली बात है। चलिए ठीक है, देखिए बिजली बिल को लेकर भी यही सारी बातें सामने आई थी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ठीक है बिल है वो 0 आया, लेकिन कुछ का ये कहना है कि पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आया। जैसे कि इन्होंने भी बातचीत की, उन्होंने भी यही बात कही थी कि पहले के अकॉर्डिंग है वो बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा आया था, जिसको सीधा फ़ायदा कहीं ना कहीं उनको हुआ जिनका बिल 0 आया है। आप कुछ कहना चाहेंगे चुनावों को लेकर? नहीं मैम, कुछ भी नहीं कहना। वोट देते हैं आप? हाँ देते हैं। कुछ फायदा मिला सरकार की योजना का किसी का? कुछ ही फायदा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको नाराजगी नहीं है फिर भी आप कुछ नहीं कहना चाह रहे, ऐसा क्यों? क्या बोले तो? क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि लोकतंत्र में हर किसी को आवाज अपनी बुलंद करने का अधिकार है, फिर आप क्यों नहीं बोलना चाहते? क्या बोले? सरकार तो कहती है कि हम जनता के लिए ही बने हैं, तो उनको भी तो दिख रहा है ना। अंधी है सरकार तो वैसे ही। सरकार अंधी है? गहलोत सरकार अंधी है या फिर केंद्र की सरकार? गहलोत सरकार। क्या चाहते हैं आप इस बार के चुनावों को लेकर कि क्या कुछ करना चाहिए सरकार? अब वो तो देखो क्या करना चाहिए अभी तक। एक आम नागरिक होने के नाते आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद तो कुछ सभी है, फिर फिलहाल तो क्या बताएं, तो वो कुछ करने कर ही नहीं रहे थे। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आप। नहीं नहीं परेशान नहीं हूं। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? नो मैम, नो कमेंट। कुछ भी नहीं कहना? क्यों, ऐसा क्यों? बस मैम ऐसे ऐसे। देखिए ज्यादातर लोग हैं वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधते हुए नजर आते हैं, कुछ क्लियर कहते नहीं है। आप कुछ कहेंगे किस बारे में? चुनावों को लेकर कुछ चल रहा है, राजेंद्र गुढ़ा पर जो कार्रवाई हुई इसको लेकर कुछ चल रहा है मन? मैं राजनीति के मामले में नहीं। कुछ भी नहीं? वोट तो देते हैं? हाँ वोट तो देते हैं। तो कुछ उम्मीद करके देते हैं या वैसे ऐसे दे देते हैं? बीजेपी को देते हैं वोट। बीजेपी को देते हैं? बीजेपी को क्यों देते हैं? बीजेपी में युवा नेता अच्छे हैं हमारे केंद्र में। एक युवा नेता बताइए जो अच्छा लगता है आपको? मेरे विधानसभा क्षेत्र में कैलाश वर्मा। कैलाश वर्मा अच्छे हैं। अभी क्या चल रहा है अभी वहाँ पे? और हमारे फुलेरा में निर्मल जी। अभी इस बार क्या लगता है कुछ काम हुआ? बिल्कुल हुआ है। क्या क्या काम में जो प्रगति हुई है, अगर रोडों के मामले में देखा जाए, विकास के मामले में देखा जाए और रोजगार के मामले में देखा जाए, तो हर तरफ से फुलेरा आज तरक्की के राह पर है। अब आगे क्या क्या बोला है आपके एरिया के नेताओं ने कि हम ये काम करेंगे? कुछ और बिल्कुल किया है साहब, सारा किया है। कुछ अधूरा रहा ऐसा तो नहीं हो सकता, सारी कमियां पूरी कर दी? हाँ ऐसे कुछ वादे रहते हैं जो नहीं हो पाते हैं, बाकी जो वादे उन्होंने किए थे लगभग निर्मल जी ने पूरे किए हैं, सारे पूरे किए। हाँ चलिए ठीक है, देखिए वही वाली बात है, जो सपोर्टर होते हैं वो अपने हिसाब से वो सरकार की नेताओं की बातें करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि बात वही है, कमियां तो हर जगह कहीं ना कहीं रह जाती हैं। इस बार भी गहलोत सरकार जो वादे और दावे कर रही है उनमें भी खूब सारी कमियां नज़र आ रही हैं। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि एन टाइम पर चुनावों से ठीक पहले सरकार जो भी योजनाएं लेकर आई है उससे कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ खुद का फ़ायदा देख रही है। और बातें तो ये भी कही जा रही हैं कि जो काम गहलोत ने किया है, महंगाई राहत जो अशोक गहलोत ने लगाए हैं, उससे उनके थ्रू कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावों का प्रचार प्रसार किया है। और अभी जो कुछ भी चल रहा है वो सीधे तौर पर राजनीतिक एजेंडा बताया जा रहा है, लेकिन बात वही है कि चुनावों तक सिचुएशन क्या रहती है और चुनावों को लेकर लोग क्या सोचते हैं। आपके मन में कुछ चल रहा है? नहीं, नहीं,
ये सारे लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। ये वो युवा हैं, ये वो युवा हैं जिनकी बात सरकार करती है कि भाई हम युवाओं की आवाज बनेंगे, लेकिन बात वही है कि राजस्थान के युवा खुद ही अपनी आवाज नहीं बनना चाहते सरकार के सामने। बात वही है क्योंकि इन युवाओं के पीछे बड़े बड़े नेताओं में झगड़ा हो जाता है। मेन राजस्थान के इस बार के विधानसभा चुनावों में जो झगड़ा हो रहा है वो राजस्थान के युवाओं को लेकर है कि आखिरकार में राजस्थान का युवा है किसकी तरफ। लेकिन ये वो युवा है जो कि बोलते नहीं है जब भी हम जाते हैं, नेचुरल सी बात है। आपका नाम क्या है? अनुराग मीना। आप वोट दिया इससे पहले कभी या फर्स्ट टाइम वोटर? अभी दिया ही नहीं। अभी नहीं दिया, इस बार हो जाएंगे या नेक्स्ट टाइम? इस टाइम हो जाएगा। अभी क्या कुछ चल रहा है चुनावों को लेके मन में? अभी कुछ ऐसा है, इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं आता नहीं है। तो मन में आया हो कि हम इस बार वोट देंगे? तो मतलब एक होता ना कि ये मुद्दे होने चाहिए, कुछ आता है मन में? हाँ वो तो है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं रहा इन चीज़ों में। इंटरेस्ट नहीं है। आपके हिसाब से नेता कैसा चाहिए आपको? क्या ऐसा नेता होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, काम करे सभी के लिए, कुछ अच्छा करे, दूसरे के बारे में सोचे, कुछ अच्छा उनके बारे में ध्यान रखे। ठीक है, आपका नाम क्या है? सोनू खारवाल। आपने पहले वोट किया? नहीं मैम, फर्स्ट टाइम करेंगे। क्या चल रहा है अभी वोटिंग को लेकर? कुछ नहीं, मैं वोट कोई मुद्दे ऐसे आप चाहते हैं? क्योंकि एक मन में एक होता है जैसे एक्साइटमेंट होता है, जब मैं खुद का मैंने भी खुद फर्स्ट टाइम जब वोट दिया था तो मेरे मन में बहुत सारा एक्साइटमेंट था, ये नेता होना चाहिए, ऐसा नेता होना चाहिए। आपके मन में कुछ ऐसे चलता है? जी मैम। क्या चलता है? नेता हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, वैसा होना चाहिए। राजस्थान के मामले में क्या लगता है, कौन ऐसा चेहरा आपको दिखता है जो कि योगी आदित्यनाथ के जैसा हो? अभी तो कोई चेहरा नहीं दिख रहा मैम। चॉइस आपने आदित्यनाथ जैसी बता दी, क्वालिटी आप बताइए उनके हिसाब से आपको ऐसा क्यों लगता है, क्यों उनके जैसा होना चाहिए? मैम यूपी ने बहुत विकास किया उनके राज्य में, इसलिए। राजस्थान में क्या कमियां नजर आती हैं? राजस्थान में बहुत कमियां, जैसे क्या लगता है? दो बता दीजिए। जैसे औरतों के खिलाफ वो होता है रेप वगैरह, ये और स्टडी वगैरह में पीछे, एजुकेशन में राजस्थान बहुत पीछे। स्टडी और रेप, ठीक है। देखिए एजुकेशन यानी कि शिक्षा और महिलाओं के प्रति अत्याचार, ये ऐसे मुद्दे जो उसकी इस बार विधानसभा चुनावों से पहले काफी ज्यादा गूंज रहे हैं, खूब चर्चा हो रही है। आपका नाम क्या है? मनीष मीना। फर्स्ट टाइम वोट देंगे इस बार? हाँ। क्या चल रहा है मन में? कुछ नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं चल रहा। कुछ सोचा हो कि हम इसको वोट देंगे? वो तो अभी देखेंगे कौन वोट है। फिर भी अभी कुछ नहीं चल रहा? नहीं। कमियां क्या नजर आती हैं आपको? कमियां कुछ नहीं, शिक्षा में और महिलाओं के अत्याचार के बारे में। अगर आपके एक मौका मिले क्या बदलना चाहेंगे आप? शिक्षा के बारे में बदलना चाहेंगे और ये जो अत्याचार हो रहा है महिला के बारे में, उनके बारे में, उनके बारे में बदलना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? बंटी। आपके मन में कुछ चल रहा है? अभी तो क्या बताया, वो आगे आने के बाद पता चलेगा, वो तो क्या करना है क्या नहीं है। और तो बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है, और वही बात है जो इस भाई ने बताया, अभी महिलाओं के अत्याचार चल रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, और तो कुछ नहीं, और तो सब ठीक ही चल रहा है। अगर अचानक से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएँ और आप लोगों से पूछे कि भाई क्या चाहिए तुम्हें, हम तुम्हें तुरंत देने के लिए तैयार हैं, तो क्या मांगेंगे? हाँ तो मैं तो यही बोलूँगा कि बोले कि महिलाओं को प्रॉपर अधिकार मिलना चाहिए, और क्या ना कि उनके उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोक लगनी चाहिए। रोक लगनी चाहिए। देखिए ये युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी बात खूब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही थी। इनका यही कहना है कि शिक्षा पे काम होना चाहिए, दूसरा महिलाओं के प्रति अत्याचार है वो कम होने चाहिए। आपका नाम क्या है? कृष्णा नाम है मैम। आपके मन में क्या चल रहा है चुनावों को लेकर? मैम चुनाव को लेकर गहलोत साहब जिस तरह से राजस्थान में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, और कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं के लिए हो, वृद्ध पेंशन हो, सभी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। अब आम इंसान की जो डिमांड होती है मैम, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, आज गहलोत साहब ने 100 यूनिट फ्री दी है, 25 लाख तक का बीमा, जो शायद पूरे इंडिया में या लगभग मैं कहता हूँ पूरे एशिया में कहीं पे भी नहीं है, और मोदी जी ढिंढोरा पीट रहे हैं 5 लाख का बीमा देके। अरे भाई हमारे 25 लाख का बीमा देखो, गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में देखो भर्तियाँ निकाल रही है, और इतनी भर्तियाँ कहीं पर भी नहीं निकली, बात हो सकती है पेपर लीक की। तो पेपर लीक का मामला ये है कि मैम इन पर थोड़ा अंकुश लगाने की कोशिश ज़रूर की है, पेपर लीक हर राज्य में हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून पेपर लीक को लेकर बन रहे हैं वो पूरी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि कैसे उन पर रोकथाम लगाई जाए। आप तो पूरा ऐसे लग रहा है बिल्कुल याद करके आए हैं। नहीं याद करके क्यों आए हैं, जो चीज़ें हमें दिख रही है गवर्नमेंट की और उसके खिलाफ क्यों बोलेंगे, जो चीज़ें हैं वो तो है। एक्चुअल में आपको पता है 25 लाख का बीमा है वो है, 100 यूनिट बिजली फ्री है वो है, भर्तियाँ सबसे ज़्यादा पूरे राज्यों में निकली है राजस्थान में, मैटर करता है कि पेपर लीक हुआ है, भर्तियाँ पूरी नहीं हो पा रही, कोर्ट में फंसी हुई है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन भर्तियाँ निकालने के मामले में राजस्थान सरकार फर्स्ट नंबर पे रही है मैम। राजेंद्र गुढ़ा के बारे में पता है आपको, जो भी कार्रवाई हुई उसके बारे में? मैम बिल्कुल पता है राजेंद्र गुढ़ा जी के बारे में। क्या क्या सोचते हैं उसके बारे में? मैम राजेंद्र गुढ़ा जी एक सरकार के मंत्री थे,
हालांकि उन्होंने महिला अत्याचार के ऊपर बात कही, लेकिन इस तरह से आप अगर सरकार के साथ में हो और इस तरह की बातें सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हो तो कहीं ना, क्योंकि राजेंद्र गुड्डा जी ना केवल महिलाओं के बारे में बोले, काफ़ी समय से उनका सरकार के खिलाफ बयान आते रहे हैं, और इस तरह से आज जैसे राजधानी कोटा पे आज कार्रवाई की, बहुत पहले कर देनी चाहिए थी कार्रवाई। ये बात तो सरकार के खिलाफ आवाज़ तो सचिन पायलट ने भी उठाई थी, उन पर क्या कहेंगे? और लाल डायरी की बात वो कर रहे हैं, तो लाल डायरी का खुलासा आज करने वाले हैं वो, तो वो लाल डायरी का खुलासा क्यों नहीं करते मीडिया के सामने आके, क्यों सदन की बात कर रहे हैं? अब सदन से बर्खास्त भी कर दिया, अब तो मीडिया के सामने आके कहीं वो लाल डायरी में छुपा हुआ क्या, 500 करोड़ का घोटाला, 500 करोड़ का घोटाला है क्या, 500 करोड़ का घोटाला? बात तो ये भी उठ रही है कि जैसे राजेंद्र गोढ़ा ने जो अपनी बात कर रहे हैं सरकार के खिलाफ आवाज़ तो सीधे तौर पर है, वो सचिन पायलट ने भी उठाई थी, उस पर क्या कहेंगे? उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। सचिन पायलट साहब ने बात उठाई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो बीजेपी की सरकार पेपर, पेपर लीक को लेकर भी, पेपर लीक को भी उठाई थी, और सरकार पेपर लीक में काम कर रही है, वो एक सरकार के और उन दोनों के बीच का मामला है। वो पेपर लीक को लेकर सरकार ने जो साहब ने मांग उठाई पायलट साहब ने, उन सबको लेकर सरकार जो है नियम बनाई है, अभी भी नियमों में संशोधन हुआ है, आजीवन कारावास का जो है वो कर दिया, जमानत नहीं होगी उन लोगों की, पहले क्या होता था पेपर लीक होने के बाद जमानत हो जाती थी, लेकिन जमानत का जो था वो भी हटा दिया सरकार ने, और अब जमानत भी नहीं होगी जो पेपर लीक में शामिल होंगे उनकी। चलिए ठीक है, देखिए स्पष्ट तौर पर बात है वो सभी सामने आ ही गई हैं, सभी लोगों की राय है वो अपने अलग अलग है, चाहे वो चुनावों को लेकर हो, महिला की सुरक्षा को लेकर हो, या फिर राजेंद्र गुढ़ा पर हुई कार्रवाई को लेकर हो, सचिन पायलट को लेकर भी सभी की राय अपनी अलग अलग है। एक वक्त वो था कुछ महीने पहले का, ये वक्त आप सभी को पता ही है, जब सचिन पायलट ने सीधे तौर पर मुद्दे उठाए थे, उसके लेकर भी कहा जा रहा था कि अब पायलट की राय है वो सरकार से अलग हो जाएंगी, कार्रवाई होगी। इवन जो राजस्थान में प्रभारी हैं कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने जो पायलट ने जो अनशन किया था उसको सीधे तौर पर पार्टी के खिलाफ बताया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग यही बात कह रहे हैं कि जब सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ क्यों हुई? बहुत सारे मुद्दे हैं गुढ़ा के खिलाफ भी, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सीधे तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत है, ये पूरा प्लान वही है। तो वही आज हमने जिन जिन लोगों से बात कही, स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपनी बातें रखी, इवन जो फर्स्ट टाइम के वोटर्स हैं, युवा हैं, उन्होंने यही बात कही थी कि एक तो शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और दूसरा महिलाओं की सुरक्षा को और ज़्यादा पुख्ता करना चाहिए। चुनावों से पहले जनता की अपनी अलग अलग राय सामने आ रही है, चुनावों तक देखते हैं क्या कुछ समीकरण बदलते हैं राजस्थान के। तो कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।